in this video i will teach you about distance time graph first of all we will know that uh, what is the graph graph kya hai a graph is the waste tool hai which provide basic information about a variety of events we can draw graphs which describe वेरिएसन ऑफ डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट स्पीड ब्लॉसटी एंड एसलरेशन विद टाइम यानी हम ग्राफ से डिस्टेंस समय के साथ कैसे वैरी करती है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वैरी करता है स्पीड कैसे वैरी करती है इसका एक बेस्ट इलिस्ट्रोलेशन कर सकते हैं ठीक है थीके? इसे हम स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डिस्टेंस टाइम ग्राफ की थ्री केसेस हैं हमारे पास ठीक है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड डिस्टेंस ग्राफ इसमें हम डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इसके तीन केसेस हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम रेस्ट बॉडी के लिए नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म बॉडी थर्ड है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बॉडी ये तीन केसों की स्टडी हम अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे नाउ वी टेक द फर्स्ट केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी बॉडी जब बॉडी क्या है रेस्ट में है तो सपोज दैट यहाँ हम एक टेबल ले लेते हैं और टेबल में ये टाइम सेकंड में दे रखा है डिस्टेंस दे रखी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही हमें प्लॉट करना है ठीक तो है तो टाइम ज़ीरो है टू सेकंड है फोर सेकंड है सिक्स सेकंड है एट टेन है और ये डिस्टेंस दे रखी है मीटर में और इसके हेल्प से हम एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं ठीक है थीके? वैसे तो हम ग्राफ पेपर पर ही प्लॉट करेंगे इसे लेकिन समझने के लिए हम कॉपी पर ही प्लॉट करते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सेस होता है बेटा ये वाई एक्सेस होता है अलोंग द एक्स एक्सेस बी टेक द टाइम इन सेकेंड एंड अलोंग द वाई एक्सेस बी टेक द डिस्टेंस इन मीटर नाउ वी ड्रॉ द नंबर हेयर हेयर जीरो सेकेंड एंड जीरो डिस्टेंस ठीक है टू सेकेंड फोर सेकेंड सिक्स सेकेंड एट सेकेंड टेन सेकेंड इसी तरह से जीरो फाइव टेन ट्वेल्व ठीक है अब टेबल्स के हेल्प uh, लेते हैं यहाँ टू सेकेंड जीरो पे जीरो है जीरो पे जीरो है नेक्स्ट हमारी रीडिंग क्या है सपोज करते हैं टू टू सेकेंड पर डिस्टेंस कितना है अलेवन मीटर नेक्स्ट फोर सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है अलेवन मीटर सिक्स पे कितना है अलेवन मीटर तो इसमें ये वॉडी जो है इस तरह से मोशन कर रही है डिस्टेंस ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी फ्राम ए फिक्सड पॉइंट डज नॉट चेंज विथ टाइम और इसमें जो डिस्टेंस है यहाँ क्या है एलेवन मीटर इसकी डिस्टेंस एलेवन मीटर टाइम चेंज हो रहा है वट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही तो डिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम बट टाइम इज़ इंक्रीज टाइम इंक्रीज हो रहा है वट डिस्टेंस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं हो रही है तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरल टू टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन तो ये जो हमारा ग्राफ इसमें कैसा मिल रहा है स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द पैरल एक्सिस नेक्स्ट केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम कोई बॉडी यह ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस को इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखते हैं इसे इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं टेबल ये है ये टाइम है ये डिस्टेंस है जीरो जीरो वन टू टू फोर इस तरह से इस टेबल की हेल्प से हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ठीक है ड्रॉ कर रहे हैं ये एक्स एक्सेस हो गया ये बाई एक्सेस हो गया यहाँ हमने डिस्टेंस ले ली और यहाँ ये सेकेंड टाइम सेकेंड में लिया तो ये डिस्टेंस अब देखो ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं जीरो पर जीरो डिस्टेंस है तो जीरो पर जीरो डिस्टेंस है उसके बाद हमारा वन टाइम क्या है वन सेकेंड टाइम है वन सेकेंड वन सेकेंड पे डिस्टेंस कितना है टू तो वन सेकेंड में वन एंड टू ये डिस्टेंस हो गया ठीक है नेक्स्ट हमारा टू सेकेंड पे कितना डिस्टेंस है बेटा टू सेकेंड पर डिस्टेंस है फोर तो टू सेकेंड पर हम डिस्टेंस चले जाएंगे फोर ठीक है इसी तरह थ्री पर है हमारी सिक्स और फोर पर है एट और फाइव पर हमारे पास टेन मीटर ठीक है इस तरह से हम ये ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे इस तरह से ठीक है और ये भी हमारा एक कैसा आ जाएगा स्ट्रेट लाइन ही आएगा ठीक है ये भी एक हमारी स्ट्रेट लाइन आई। अब देखो सपोज करो हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के बीच ठीक है स्पीड को मेज़र करते हैं कोई बॉडी है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करती है ठीक तो इस तरह से हम एक ये ए बी सी कह दिया यहाँ टाइम टी है ठीक है और वो डी यहाँ पहुँची यहाँ टाइम इसे सपोज दैट टी टू लगा होगा ठीक है तो इनके बीच जो डिस्टेंस हुई यहाँ से यहाँ तक वो डिस्टेंस क्या हुई यहाँ डिस्टेंस कितनी है एट यह है एट डिस्टेंस और यहाँ डिस्टेंस कितनी है फोर तो यहाँ डिस्टेंस का जो डिफरेंस है डेल्टा एक्स कितना आएगा वो एट माइनस फोर यानी इसने यहाँ तक ए से बी तक मूव कर रही है बॉडी तो डिस्टेंस ट्रेवल की इसने फोर मीटर ठीक है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लिया इसने वो कितना लिया डेल्टा टी यहाँ टाइम कितना है फोर और यहाँ टाइम देखो कितना है यहाँ टाइम है टू और यहाँ बॉडी पहुँच गई मोशन में तो इसका टाइम है फोर तो टाइम कितना टेकन लिया इसने फोर माइनस टू यानी टू सेकेंड अब इसकी हेल्प से हम स्पीड निकाल सकते हैं स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसने फोर और टाइम कितना लिया टू तो स्पीड कितना आ गया टू मीटर पर सेकेंड तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम डी एक्स अपॉन डी टी यानी डी एक्स अपॉन डी टी क्या है स्पीड है ठीक है तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो स्लोप है ग्राफ का ये स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है स्पीड के बारे में